ब्रॉट टू यू बाय प्रोबो। ऐसे ही हाँ और ना का गेम है प्रोबो, द पावर ऑफ यस एंड नो। द एक्टिविटी ऑन दिस प्लेटफॉर्म मे बी हैबिट फॉर्मिंग और फाइनेंशियली रिस्की, पार्टिसिपेट रिस्पांसिबली। देखो मैं ऑलरेडी आपके ऊपर प्रेशर नहीं बिल्डअप करना चाह रहा हूँ, लेकिन यार होता क्या है ना कि जब भी आपका नाम आता है तो लोग सोचते हैं कि भाई ये तो मेडल के साथ आएगा। क्या आपको ये प्रेशर लग रहा है कि या फिर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं आप कॉन्फिडेंट हैं? प्रेशर नहीं, कॉन्फिडेंट होगी, मैं बेटर दूँ, कॉन्फिडेंस तो है, बस अब इसी की श्योरिटी नहीं दे सकता। हाँ, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं अच्छे से अच्छा खेलूँ और मेडल लेकर के आऊँगी। टोक्यो से पेरिस का जो ये सफ़र है उसमें हमने देखा कि कृष्णा यू नो स्टेप बाय स्टेप और मैच्योर होते गए हैं, उनकी जो टेक्निक्स है वो बेहतर होती गई हैं। और पर्सनली आपको क्या, कहाँ पर आप अपने आप को रेट कर रहे हो अभी के वक्त? मैं अपने आप को कैसे रेट कर सकता हूँ तो मुझे भी नहीं पता, बट डिपेंड करता है लोगों पर कि वो किस तरीके से देखते हुए आ रहे हैं मुझे। अपना जो पेरिस जो टोक्यो था उसके बाद अब पेरिस है, वो डिपेंड करता है लोगों पे, वो उनका नज़रिया है। मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं पहले था मैं वैसा आज ही हूँ। अच्छा, पिछली बार हम 54 लोग गए थे, इस बार हम 84 लोग जा रहे हैं। पिछली बार 19 मेडल थे, इस बार बतौर खिलाड़ी आपको क्या लगता है जब हम वापस आएंगे कितने मेडल के साथ आएंगे? आई थिंक मोर देन 25। तो ये बिग नंबर है, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ी चीज़ होगी, क्योंकि देखिए इतिहास इसी तरह से बनते हैं। टोक्यो में भी इतिहास बना था, उम्मीद करते हैं पेरिस में भी बनेगा। लेकिन कृष्णा, इन पिछले 3 सालों में यू नो आपने भी बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, लेकिन आप यू नो इस बड़े चैलेंज के लिए किस तरीके से तैयार हैं? क्या कहेंगे बाकी लोगों को बैक होम? आई थिंक आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं दोबारा से मेडल लेकर के आऊँ इंडिया के लिए, वही गोल्ड मेडल लेकर के आऊँ। बाकी वहाँ जाकर के पता पड़ेगा कोर्ट कंडीशंस कैसी है, क्या है, और बाकी ऊपर वाले के ऊपर है क्या होता है क्या नहीं होता। अच्छा, हेल्प एंड सपोर्ट की भी अगर बात की जाए कृष्णा, तो हमने देखा कि मिनिस्ट्री हो, साई हो, ना पीसीआई हो, सब ने बहुत तैयारियां की हैं, मेहनत की हैं। आपको लगता है कि सब कुछ ऑन पेज है? हाँ, सब लोगों ने बहुत मदद की है, मेरे साई ने बहुत हेल्प करी है, पीसीआई बाई मेरे सर, मेरे को जो कोच सर है यादवन सर, और साथ ही साथ मेरे एक सर हैं मनोज दासो सर, जो कि हमारे राजस्थान बैडमिंटन के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी बहुत मदद करी मेरी बचपन से, जब आई थिंक जब मैं कुछ भी नहीं था तब से उन्होंने बहुत मदद करी। साथ ही साथ मेरी फैमिली और जो मेरे दोस्त हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड जो भी साथ के हैं अभी भी, सब ने बहुत सपोर्ट किया अभी तक। मेरे साथ जुड़िए मनाने के लिए क्रिकेट का सबसे बड़ा त्यौहार, मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स द कैप।